दोस्तों आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत तीन मदरसों में, जिनमें एक मदरसा जो है वो मदरसा दारुल उलूम अजीजिया जो कि छोरही गांव है, छोराही गांव है बाबूबरी थाना अंतर्गत, वहां जो भवन निर्माण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एक मदरसे का निर्माण होना है, उस भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वो इसका शिलान्यास किया है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री समेत कई सारे नेतागण रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस मदरसे का शिलान्यास किया है, मदरसा दारुल उलूम अजीजिया का। वहीं अगर बात करें दूसरा, बिहार के इस मधुबनी जिला के शहर में एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा इस्लामिया है, जो कि भवारा में स्थित है। उस मदरसा इस्लामिया के अंदर एक बेहतरीन ऑडिटोरियम का और साथ ही साथ वहां की लाइब्रेरी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये भी भवन निर्माण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 22 तारीख को मधुबनी जिला अंतर्गत मदरसा रहमानिया एकहत्ता प्रखंड खुटौना के प्रांगण में 100 अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण कार्य का उद्घाटन संपन्न हुआ है। तो इस मदरसे में भी जो है, जो मदरसा रहमानिया है दोस्तों एकहत्ता में, उसमें 100 बेड का हॉस्टल जो है उसकी कहीं ना उसका जो है उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया और साथ ही साथ आप वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग के मंत्री जो हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस बीच मधुबनी जिला के बाबूबरी थाना अंतर्गत जो एक गाँव है छोराही, वहाँ एक मदरसे का शिलान्यास भी किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो ये एक बड़ी बेहतरीन खबर बिहार के इस जिले के लिए, खासकर के मधुबनी जिले के लिए आई है कि एक ही दिन में दो जगह बिहार के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। तो वहीं एक बेहतरीन मदरसे के लिए कहा जा सकता है, एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट जो है मदरसा दारुल उलूम अजीजिया के नाम से जो मदरसा जाना जाता है, वहां अजीजिया जो मदरसा है दारुल उलूम अजीजिया छोराही, वहां भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास जो है वो आज बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा संपन्न किया गया है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने मदरसा दारुल उलूम अजीजिया छोराही में जो कह सकते हैं वहां के सेक्रेटरी हैं और दीगर कई सारे लोग थे, उन तमाम लोगों से बातचीत की है। देखिए और सुनिए कि वे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मदरसा के सचिव से और जानते हैं आज के इस शिलान्यास के बारे में। आज बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत मदरसा दारुल उलूम अजीजिया छोरही बाबूबरही में श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुख्य सचिव श्री आमिर सुभानी जी और जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, जो मंत्री गण हैं विभाग से, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अल्पसंख्यकों के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है और इससे बड़ी भलाई लोगों की होने वाली है और फ्यूचर में हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता है इस सरकार के लिए जो सरकार ने किया है। सरकार बधाई के पात्र हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बधाई के पात्र हैं, हमारे जितने भी ज़िला के पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे भवन निर्माण से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पदाधिकारी हैं, इन तमाम लोगों का बहुत 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 हम लोग धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये एक बिहार के लिए एक मिसाल बनेगा और अल्पसंख्यक का इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुर्तजा हसन अल कासमी। देही हलका में जिस तरीके से सरकार ने करोड़ों रुपए का फंड देकर मदरसा को के इमारत को बनाने का काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? काबिल तारीफ है बिहार सरकार के लिए, हम उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं कि उन्होंने इस उजरे दयार में भवन निर्माण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार सिंह बिहार सरकार और उनके काबीना की तरफ से जो ये उपहार स्वरूप जो दिया गया है भवन के लिए, उसके लिए हम ग्रामवासी ममनून मशकूर हैं और उन्हें हम बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया। अब बात करते हैं मदरसा के कुछ मेंबर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताएं आप। नसीरुद्दीन मेरा नाम है। आज
आपके मदरसे के भवन का शिलान्यास किया गया है, मुख्यमंत्री ने खुद रिमोट दबा कर किया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? ये काम जो बिहार सरकार ने किया है बिलखसूस अकलियती के फलाह और बहबूद के लिए, ये बिहार सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी मंत्री और हमारे आलीजा जनाब आमिर सुभानी साहब, ये तमाम हजरात और जो तालीम से मुतालिक अफसरान हैं और हमारे बिलखसूस मधुबनी ज़िला के कल्याण विभाग के और हमारे तामीरात के जो मंत्री हैं, वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने अकलियतों के फलाह और बहबूद के लिए जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है, जिससे सारी पब्लिक उनकी खैरख्वाह हो रही है और होती रहेगी। अपना नाम बताएं। जी, मोहम्मद जावेद इकबाल। आप सरपंच हैं यहाँ के? जी। क्या कहना चाहेंगे आज आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रिमोट दबाकर यहाँ जो है शिलान्यास किया गया है मदरसा की बिल्डिंग्स का? आज हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कि हम लोगों को हमारे गांव में इतनी बड़ी संस्था का उद्घाटन किया उन्होंने, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। धन्यवाद। नाम बताएं। मोहम्मद तारिक हुसैन। कैसा लग रहा है आपके गांव में करोड़ों की इमारत बनने जा रही है और बिहार सरकार ने दिया है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे गाँव का डेवलप है, हमारे मदरसे की तरक्की के लिए सब दुआ करें, पहले अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मुर्तजा। आपके घर कहाँ है? छोरी में। छोरी में। आपके गांव में बिहार सरकार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां करोड़ों का रकम देकर यहां जो है मदरसे की बिल्डिंग का तामीर करवाने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। लग रहा है? बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहिएगा आप? बनना चाहिए। बनना चाहिए। अल्पसंख्यक का विकास होगा इसमें? हाँ, होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो इस अवसर पर आप नीतीश कुमार को क्या कहना चाहिएगा? हम डांट देते हैं उनको, जो बहुत अच्छा काम किए हैं। आप डांट देते हैं? हाँ हाँ। इस वीडियो को भेजेंगे नीतीश कुमार जी? हाँ, तो भेज दीजिएगा मुख्यमंत्री के पास, कोई बात नहीं। आप डांट देते हैं? हाँ, डांट देंगे, हमसे छोटे होंगे उम्र में। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, देखा आपने कि यहाँ जितने लोग हैं, ये गाँव के कुलबो जवार के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि अल्पसंख्यक का इसी तरह विकास होता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।